Hello students, in last class we studied about structure of ovules, but now we are studying about structure of seeds. First of all, humko pata hona chahiye seed kya hota hai. Seed is a final product of sexual reproduction in plants. Kisi bhi plant ke andar jab sexual reproduction hota hai, hum logon ne March mein sexual reproduction ki study ki hai, theek hai? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सीड. इन शॉर्ट वी कैन से दैट सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. एक सीड का बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट को कंसिस्ट करता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हम वो देखेंगे. सीड कोट, रेडिकल, प्लिम्यूल एंड कॉटिलेडंस. These are main part of seed. Okay? इसको हम एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे. आप लोग ध्यान से एक डायग्राम देखिए. आपको दिख रहा है डायग्राम? ये ग्राम सीड है, चना. ओके, द मेन पार्ट इज सीड कोट. मेन एंड फर्स्ट पार्ट इज सीड कोट. जब हमने ओव्यूल की स्टडी की थी तो ओव्यूल की स्टडी के टाइम पर हमने इंटेग्यूमेंट पढ़ा था. इंटेग्यूमेंट दैट मीन्स आउटर कवरिंग. यस, वही आउटर कवरिंग यहाँ पर एक सीड कोट को फॉर्म कर रही है. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, टेस्टा एंड टिगमेन. ये जो सीड कोट होता है ये टू लेयर्स से बना है, टेस्टा एंड टिगमेन. टिगमेन जो होता है वो एक थिन इनर लेयर होता है. टिगमेन इज़ अ थिन इनर लेयर. अंदर का जो लेयर होगा वो थिन होगा, इसको अपन टिगमेन बोलेंगे. एंड आउटर लेयर इज टेस्टा. टेस्टा इज़ अ थिक आउटर लेयर. ये एक थिक लेयर को फॉर्म करता है. ओके, द अनादर पार्ट इज ऑफ सीड इज हाइलम. स्कार ऑन सीड, सीड कोट थ्रू विच द सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट. हाइलम एक ऐसा स्कार लाइक एरिया होता है, स्कार जैसा होता है वो दिखने में. ये क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या है इसका? यही इसको फ्रूट से अटैच होने में हेल्प करता है. ये हाइलम के पोर्शन से ही एक सीड उसके फ्रूट के साथ जाकर अटैच होता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोपाइल. आपको कुछ याद आ रहा है माइक्रोपाइल हमने कब पढ़ा था? यस, हमने लास्ट वीडियो में ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोपाइल की स्टडी की थी. अ स्मॉल पोर ऑन द सीड थ्रू विच ऑक्सीजन एंड वाटर एक्सचेंज थ्रू ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन मीन्स सीड को जब हम एक सॉइल के अंदर लगाते हैं, इसको लगाने के बाद जब वो उगना स्टार्ट होता है दैट द टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड जर्मिनेटिंग पीरियड. एंड जब वो उगना स्टार्ट होगा ना उसको हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है माइक्रोपाइल? हमने ओव्यूल में पढ़ा था कि माइक्रोपाइल एक ऐसा ओपनिंग पोर्शन होता है जहाँ पर जो पॉलन ट्यूब होती है वो पॉलन ट्यूब उस एक छोटे से पॉइंट से, उस एक पोर से ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए अंदर एंटर होती है. ठीक है, वो एक छोटा सा ओपनिंग पोर था. सेम यहाँ पर भी माइक्रोपाइल है. ये वही माइक्रोपाइल है सीड के अंदर जो क्या काम करेगा, ऑक्सीजन एंड वाटर को एक्सचेंज करेगा ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. इज इट क्लियर? नाउ द अनदर पार्ट ऑफ सीड इज कॉटिलेडंस. इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो. कॉटिलेडंस कैसा दिख रहा है? यस, इट लुक लाइक्स अ लीव्स. ओके, ये लीव्स जैसा दिख रहा है ना? हाँ, कॉटिलेडन. इन शॉर्ट में हम कॉटिलेडन्स को कह सकते हैं सीड लीव्स, सीड की लीव्स. इज इट क्लियर? एंड द मेन फंक्शन ऑफ सीड लीव्स इज, मेन फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन इज, इट इज स्टोर फूड मटेरियल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डिवलपिंग रेडिकल एंड प्लिम्यूल. ये क्या काम करेगा? जो डिवलपिंग रेडिकल एंड प्लिम्यूल है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या स्टोर रहेगा? फूड स्टोर रहता है इसके अंदर. क्लियर? ओके, यहाँ पर आपको दो और पार्ट दिख रहे हैं अलग अलग सीड के, रेडिकल एंड प्लिम्यूल. यू कैन सी इजीली रेडिकल एंड प्लिम्यूल. ओके, रेडिकल एंड प्लिम्यूल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ ध्यान से. पहले अपना इसके लिए थोड़ा सा सोचिए कि आपने एक प्लांट देखा है, प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर देखा है. प्लांट के दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट तो हम इजीली देख पाते हैं प्लांट का बिकॉज वो एरियल पार्ट होता है. एरियल मीन्स जो पार्ट हवा में होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एरियल पार्ट. उसी एरियल पार्ट को हम बोलते हैं शूट सिस्टम. इज इट क्लियर?
और जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो होता है अंडर रूट्स, सॉरी अंडर सॉइल। अंडर सॉइल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। तो आपने कभी सोचा कि एक प्लांट के अंदर ये दो पार्ट कैसे डेवलप हो रहे हैं? रूट सिस्टम कैसे बन रहा है जो अंडर सॉइल है, अंडरग्राउंड पार्ट है, और रूट सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है जो अपना शूट सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है जो आपका पूरा अपर पार्ट है, एरियल पार्ट है पूरा प्लांट का। ये सिस्टम इन्हीं रेडिकल और प्लिम्यूल से डेवलप होते हैं, जो कहाँ पर होता है? सबसे पहले सीड के अंदर। ध्यान से देखिए, नीचे एक पोर्शन आपको दिख रहा है रेडिकल। ये रेडिकल का जो पोर्शन होता है इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रूट। एम्ब्रियोनिक रूट दैट मीन्स कि ये क्या फॉर्म करेगा? इसका रूट सिस्टम फॉर्म करेगा। देन प्लिम्यूल, प्लिम्यूल आप देख रहे हैं इजिली, इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक शूट। एम्ब्रियोनिक शूट इज फर्दरली डिवलप्ड एंड फॉर्म अ शूट सिस्टम विच इज़ कॉल्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट, इज इट क्लियर? डिटेल में आप इसको और अच्छे से देख सकते हो, मैंने इसका डिटेल भी इसके साथ ऐड किया हुआ है। सीड कोड अभी हमने जो पूरा पढ़ा, टेस्टा, टेगमेंट, देन नेक्स्ट पोर्शन हाइलम, स्कार ऑन अ सीड कोड विच द लीव विच द सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट, देन माइक्रोपाइल, कॉटिलिडन्स, रेडिकल, प्रिम्यूल। क्लियर? तो आप इस वीडियो से सीड के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ सीड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोकॉटिलेडन सीड्स एंड डाइकॉटिलेडन सीड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। ओके, नाउ थैंक यू।